नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के निरसा में छापेमारी, ईसीएल के 14 टोली बरामद, एक गिरफ्तार। निरसा एसडीपीओ विजय कुशवा एवं चिरकुंडा पुलिस के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी कर 14 ईसीएल के ट्रॉली बॉक्स सोनार डंगाल के बजरंगबली कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से बरामद की गई। इसी संबंध में चोरी की माल संदेह होने पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने जब्त माल को चिरकुंडा थाने ले आई और इस पूरे छापेमारी प्रकरण में एसडीपीओ विजय कुशवा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि ईसीएल का चोरी का माल चिरकुंडा सोनार डंगाल रेलवे लाइन के समीप बजरंगबली कास्टिंग प्राइवेट में खपाया गया है, जिसे लेकर बजरंगबली कास्टिंग के संचालक रमेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है। अब सवाल यह है कि 14 घंटा ईसीएल में सुरक्षा गार्ड रहने के बाद भी ट्रॉली चोरी कैसे हुई। सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन्हीं सभी पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। मौके पर कुमार दुबे कोलियरी के प्रबंधक केपी सिंह, एरिया सिक्योरिटी ऑफिसर गोविंद मिश्रा सहित चिरकुंडा थाना प्रभारी दिलीप यादव बल के साथ मौजूद रहे। धनबाद जिला ब्यूरो मलय गोप की रिपोर्ट। 4:30 बजे हमें गुप्त रूप से सूचना मिली थी कि कुमारडूबी ईसीएल का जो साइडिंग है वहाँ से भारी मात्रा में गाड़ी में लौट करके स्क्रैप की चोरी की जा रही है। तत्काल चिरकुंडा इंस्पेक्टर साहब थाना प्रभारी दिलीप यादव को सूचना दिए, उनके द्वारा पेट्रोलिंग पार्टी भेजा गया जिसमें पीएसआई सालो हेम्ब्रम और पीएसआई शिवनारायण भी थे और फिर थाना प्रभारी भी स्वयं आए। हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे तब तक देखे कि वहाँ से गाड़ी निकल चुकी थी। गाड़ी का चिन्ह जो दाग था, स्क्रैप जो ले गया था, वो सारा वहाँ पर चिन्ह मौजूद था। जहाँ से स्क्रैप उठाया गया था, जब वहाँ हम गए तो देखे कि सिक्योरिटी दो बैठे हुए थे। उनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि हम ईसीएल एम्प्लॉई हैं, यहाँ सिक्योरिटी का काम करते हैं। उनको हमने पूछा कि यहाँ स्क्रैप अभी भी उठा है, वो एकदम ताज़ा चिन्ह था। तो उन्होंने बताया कि हम अभी ही आए हैं, हमारा दूसरा पारी जो हमसे पहले वाला था वो हमें बिना डिप्टी सौंपे पहले ही गायब हो गया था। फिर हमने उसका नाम पता ज्ञात किया, फिर हमें गुप्त रूप से सूचना मिली और हम लोगों ने पता किया कि ये भारी मात्रा में वहाँ ट्रॉली उठाया हुआ था, ले जाया गया था। तो पता चला कि एक रेलवे के किनारे बजरंगबली आयरन कास्टिंग में सारा डंप किया गया है। अभी भी वहाँ से हम लोग जब वहाँ पर गए, बजरंगबली आयरन कास्टिंग जिसका मालिक रमेश अग्रवाल और परवीन गाड़ियान है, तो वहाँ पर उस गोदाम में करीब 14 ट्रॉली मिला ईसीएल का। और जब उसको ईसीएल सिक्योरिटी गोविंद मिश्रा आए, फिर ईसीएल के कुमारडूबी मैनेजर आए हैं और सारा वहाँ पर कार्रवाई किया गया, सारे उन लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उस ट्रॉली को जब्त किया गया है और नामजद प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं चोरी करवाने में, चोरी करने में और इस माल को खपाने में, वो सारे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।